everyone, welcome to my channel Chemistry Solution, and today I am going to teach you beckmann rearrangement. आज हम beckmann rearrangement discuss करने वाले हैं. organic chemistry की बहुत ही important reaction है. तो सबसे पहले basic चीज़ें मैं आपको figure out करा दूँगी, बाद में इसका detail reaction and mechanism देखते हैं. तो basic चीज़ों में क्या मैंने include किया है, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक substrate का structure draw करूँगी. ध्यान से देखिए आप, R C R double bond N OH. तो जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है इसका नाम है कीटोक्सिन. ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर का नाम है कीटोक्सिन. और सिमिलरली हम अल्डोक्सिन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. तो देखिए कीटोक्सिन हो गया हमारा, और यहाँ पर अल्डोक्सिन. तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा दिए. बेसिकली ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पीछे रीज़न यही है कि ये दो जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें इनमें से कोई भी एक रिएजेंट या फिर एक कोई भी स्ट्रक्चर आप एज अ रिएजेंट beckmann rearrangement में ले सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह स्ट्रक्चर्स को समझना. तो कीटोक्सिन यहाँ पर मैंने ले लिया है, और कीटोक्सिन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर हमको ये अल्डोक्सिन मिल गया है. तो ये अल्डोक्सिन और कीटोक्सिन आप याद रख लीजिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है beckmann रीअरेंजमेंट के. अगर कोई भी अगर दूसरे आप रीएजेंट्स आप अगर ले रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे beckmann रीअरेंजमेंट में. तो ये किस तरह से फॉर्म हो गए हैं, किस तरह से तैयार हो गए हैं, मैं रिएक्शन के थ्रू आपको यहाँ पर बता देती हूँ. तो देखिए आर सी आर डबल बॉन्ड फोर, यह कीटोन, यहाँ पर मैंने कीटोन लिया है. कीटोन की रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ. यह है हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा. तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो जाएगा. तो देखिए रिजल्टेंट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड एन एच. तो ये बन गया यहाँ पर कीटोक्सिन. यही स्ट्रक्चर है जो हम रिएक्शन में लेने वाले हैं. तो ध्यान से देख लीजिएगा कीटोक्सिन का स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो गया है. तो सेकंड बात जो है मैं वो आपको बेसिकली यहाँ पर बता रही हूँ, वो रहेगी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट. यहाँ पर मैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लिख देती हूँ, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट. रिएक्शन को डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में की ज़रूरत रहेगी. तो कौन से लेंगे, देखिए कॉन्क H2SO4 PCl5 SOCl2 और आप P2O5 भी ले सकते हैं. मैंने रिएक्शन में H2SO4 को यूज़ किया है, वो मैं नीचे में आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म बताते समय मैं आपको बता दूंगी. तो ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वो एक कैटेलिटिंग मीडियम का भी काम करेंगे, एज इट्सेल्फ ये कैटेलिटिक रिएजेंट भी रिएक्शन में एक्ट करेंगे. तो हम बिना देरी करे मेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है अपना. तो देखिए रिएक्शन में क्या होता है, ये मेन रिएक्शन हम देखते हैं पहले तो beckmann रीअरेंजमेंट की. तो देखिए क्या होता है, मैंने जो कीटोक्सिन आपको ऊपर में बताया है कि किस तरह से फॉर्म हो गया है, वो कीटोक्सिन हम एज इट इज़ यहाँ पे ले लेंगे. तो देखिए सी आर डबल बॉन्ड एन, ये एन है, और यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर लिख देंगे हम कीटोक्सिन. कीटोक्सिन मैंने ऊपर में जैसे कि बताया कि रिएक्शन को डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की ज़रूरत रहेगी, तो हम यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वो रहेंगे H2SO4, यानी कि कोई भी एसिड या फिर H+. तो देखिए किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा, R C डबल बॉन्ड O N H R. ये जो इस प्रोडक्ट का नाम रहेगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइट. तो मेन रिएक्शन में आपको समझ आ गया होगा कि कीटोक्सिन से हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइड फॉर्म कर रहे हैं. बेसिकली ऑक्सिम कीटोक्सिन अगर हम ले रहे हैं तो मेन हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ही रहेगा, प्योर अमाइड हमको नहीं मिलेगा यहाँ पर.
तो अभी मैकेनिज्म देखते हैं हम डिटेल में कि किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। बेसिकली बेकमैन रीअरेंजमेंट एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जहाँ पे ये किटोक्सिम अपने आप रीअरेंजमेंट होकर एक सब्सटीट्यूटेड अमाइड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो बिना देरी करे मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर किटोक्सिम लूँगी, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर किटोक्सिम मैं लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था रिएक्शन में। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में क्या रहेगा, प्रोटोनेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किटोक्सिम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH ग्रुप, ये इस हाइड्रोजन से प्रोटोनेटेड होगा। तो किस तरह से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा देखिए। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। तो देखिए फिर से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, एन और एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज में स्टेबल नहीं रहता, दैट्स वाई ये अल्किल ग्रुप यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर अभी फिर से किस तरह से मिलेगा देखिए, वहाँ पर अल्काइल की शिफ्टिंग हो गई है, यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड एन और ये आर, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आकर यहाँ पर कार्बोकोटाइन की सिंथेसिस हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कार्बोकोटाइन। ये कार्बोकोटाइन स्टेबलाइज होने के लिए वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा एंड डीप्रोटोनेशन सिमिलर ऑल्सो। मतलब हाइड्रोलिसिस के साथ साथ यहाँ पर H प्लस यानी कि प्रोटॉन एक माइनस हो जाएगा। तो कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होगा देखिए, आर सी ओ एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन और आर। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना है ये टोटोमराइज करके हमको प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड तो यहाँ पर और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार्जेस मेंशन कर दिए हैं ताकि आप और बेटर वे से समझें। तो लास्टली आपको मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ एडिशनल में, देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन की सिंथेसिस होगी है, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव यानी कि कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर का निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में आपको एक बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट इस तरह से हो गई है और यहाँ पर डीप्रोटोनेशन यानी कि एक एच प्लस एक एच प्लस एटम यहाँ पर रिमूव हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरह से हुआ है, OH ग्रुप जो रहता है वो नेगेटिव कैरेक्टर में रहता है, दैट्स वाई ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर इस तरह से इधर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूव हो जाएगी यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा। तो ये रहा मैकेनिज्म बेकमैन रीअरेंजमेंट का, एंड इससे पहले मैंने आपको रिएक्शन समझाई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक करिए, और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।